नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। 17 सितंबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर कई नेताओं और गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उनके जन्मदिन पर अक्सर विकासात्मक पहल की जाती है और भारतीय जनता पार्टी सेवा गतिविधियां शुरू करती है। पीएम ने आज विभिन्न क्षेत्रों के 4 कार्यक्रमों को संबोधित किया। हरियाणा के करनाल जिले के मधुबन में स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में बैरक की छत से नीचे गिरने से एक जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जताया जा रहा है आत्महत्या का शक। भिवानी निवासी मुकेश आईआरबी में हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए कोर्स की ट्रेनिंग ले रहा था। हरियाणा के रोहतक जिले में टीचर से मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर 97,000 से अधिक रुपए ठग लिए गए और ठग ने बैंक कर्मी बनकर फोन पर संपर्क किया और क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस देने की बात कही। बदले में टीचर ने पहले से चल रहे इंश्योरेंस की बात कहकर स्कीम को बंद करवाना चाहा तो उसने फोन में एक ऐप डाउनलोड करवाकर धोखाधड़ी की शिकार बनी। हरियाणा के जींद के सफीदों में खंड के गांव बूढ़ाखेड़ा में एक व्यक्ति करण सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर के प्रभाव से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि रिश्तेदारों ने शराब में जहरीला पदार्थ दिया है जिससे उसकी मौत हुई है। हरियाणा में मोबाइल पर कॉल करके ठगी करने वालों के नंबर अब होंगे सार्वजनिक। हरियाणा पुलिस ने इसके लिए प्लान कर लिया है तैयार। यह नंबर साइबर क्राइम पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिए थे निर्देश। कांग्रेस ने चीता इवेंट को बताया तमाशा, कहा यात्रा पर निकला है हमारा शेर। कांग्रेस ने पीएम पर लगाया है आरोप कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए यह सब तमाशा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पूरे 72 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस राजनीतिक अभियान के दौरान ब्रांड मोदी को और बड़ा करने के मकसद से कई तरह के किए जा रहे हैं कार्यक्रम आयोजित। इस बहाने बीजेपी पीएम मोदी की छवि महात्मा गांधी के समक्ष लाने की कर रही है कोशिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी पर तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के सीएम ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरफ्तारी को गुजरात चुनाव से जोड़ा है और अभी कई और विधायक किए जा सकते हैं गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री आज हैदराबाद के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को तो आजादी 1947 में मिल गई थी लेकिन हैदराबाद पर आज भी निजामों का राज है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां की जनता को अब सिर्फ 13 महीने के लिए ही इसे झेलना होगा। आपको बता दें कि हैदराबाद को असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश में अब आम नागरिकों और व्यापारियों को मकान, दुकान, गोदाम जैसी जगह किराए पर लेने के लिए कहीं भटकना पड़ेगा। योगी सरकार इनकी सुविधा के लिए ई रेंट एग्रीमेंट के जरिए ऑनलाइन लीज डीड की शुरुआत कर रही है। इससे अब डीड राइटर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।